और अब खबर टिहरी से है, जहां यात्रियों से भरी बस पलटी है। पीडब्ल्यूडी तिराहे के पास यात्रियों से भरी बस पलटी। हादसे के समय बस में सवार थे 65 यात्री। घायल यात्रियों को अस्पताल भेजा गया है। 65 यात्री बस में सवार थे। और ये देखिए तस्वीरें आ गई हैं, बस की कंडीशन देखिए आप अंदाजा लगाइए कि क्या हालत रही होगी इसमें सवार 65 यात्रियों की। और टिहरी से ये तस्वीरें आई हैं जो आपके सामने रख रहे हैं। हादसे के समय इस बस में 65 लोग सवार थे और ये बस पलट गई है। पीडब्ल्यूडी तिराहा है ये जगह बताया जा रहा है, जहां पर यात्रियों की ये बस पलट गई और उसके बाद की ये तस्वीरें किस तरीके से उसे रेस्क्यू किया गया। आगे बढ़ेंगे जया और बात करेंगे, मूसलाधार बारिश के बाद रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ये खतरे के निशान को पार कर चुकी है। नदी के घाट पर बने भगवान शंकर की 10 फीट ऊंची जो मूर्ति है वो भी पानी में डूब चुकी है। अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग में उफान मार कर बह रही है। अलकनंदा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है तो वहीं घाट भी पानी में डूब गए हैं। अलकनंदा का जलस्तर बढ़ने से बेलनी पुल के नीचे बनी भगवान शंकर की 10 फीट ऊंची मूर्ति भी पानी में डूब गई है। इस समय हम खड़े हैं अलकनंदा नदी के किनारे। आप देख सकते हैं किस तरीके से नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और जो है जो नदी किनारे घाट है वह जलमग्न हो चुके हैं। कल तक की बात करें तो घाट का ऊपरी हिस्सा भी दिखाई दे रहा था वह भी अब जगह जगह जलमग्न हो चुके हैं। इसके अलावा 15 मीटर ऊपर जो इस स्थान पर एक मूर्ति भी थी 10 फीट ऊंची वह भी जलमग्न हो चुकी है। कह सकते हैं कि लगातार हो रही बरसात के कारण जो है दिक्कतें लोगों की बढ़ गई हैं और जो हाईवे पर लोग सफर कर रहे हैं उन्हें भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का खतरे का निशान 626 मीटर है लेकिन नदी इस निशान से ऊपर बह रही है। नदी किनारे स्थित घाटों का भी कुछ अता पता नहीं है। घाटों के ऊपर से पानी बह रहा है। जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे स्थित आवासीय भवनों को भी खतरा है, इसलिए प्रशासन की तरफ से लोगों को आगाह किया गया है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। और वही मॉनसून की बारिश में लगातार पहाड़ दरक रहे हैं जिससे कि चार धाम यात्रियों के साथ ही राहगीर भी परेशान हैं। जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बाधित है तो वहीं रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर भी लैंडस्लाइड हुआ है। खोलने में जुटी हुई है मगर मलबा इस कदर गिरा है कि उसे हटाना आसान नहीं है, इसीलिए काम तेजी से चल रहा है। रोड बंद होने से बद्रीनाथ हाईवे पर जाम लग गया है। काफी देर बाद हाईवे खुला तब कहीं जाकर रोड पर आवाजाही शुरू हो पाई। उधर रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। नेशनल हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर और मलबा आने के बाद किस तरीके से हाईवे बाधित है देखिए। जेसीबी की मदद से हाईवे को खोलने की कोशिश की जा रही है मगर प्रशासन की मुश्किलें इस बात को लेकर है कि पहाड़ी से बार बार मलबा गिर रहा है जिससे काम करने में मुश्किल आ रही है। चार धाम यात्रा चल रही है ऐसे में चार धाम यात्रियों के साथ ही राहगीरों की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी के साथ जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।